चलिए सिग्नल ग्रीन हो चुका है, देखिए हम लेफ्ट में हैं तो लेफ्ट जा रहे हैं, बाकी वो लोग सारा सीधा। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मैं हूँ आबिद शेख और आप देख रहे हैं मिस्टर एस ब्लॉग। तो आज का वीडियो जो है थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा, आज का वीडियो होने वाला है न्यू ड्राइवर के लिए, जो ड्राइवर जॉब में आप कुवैत आना चाहते हैं उनके लिए है। हाउ टू ड्राइव कार इन कुवैत रोड फॉर न्यू ड्राइवर। तो जो न्यू ड्राइवर हैं उनको तो वीडियो उनके लिए है, पूरा लास्ट तक वीडियो देखना, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। जो पुराने हैं तो उनको तो पता है कैसे ड्राइव करते हैं, तो ये वीडियो स्पेशली नए लोगों के लिए है, न्यू ड्राइवर के लिए। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे किस तरह से कुवैत का ट्रैफिक रोल होता है, यहाँ पे हाईवे पे कैसे गाड़ी चलती हैं, लोकल रोड पे गाड़ियाँ किस तरह से चलाई जाती हैं, या सिग्नल पे आप लेफ़्ट टर्न लेते हैं, राइट टर्न लेते हैं, या सीधा जाना है तो किस तरह से ट्रैफिक रूल को फॉलो करना है, सिग्नल रूल को फॉलो करना है। और गोल चौराहा होता है इंडिया में, राउंड अबाउट बोलते हैं यहाँ पे उसको, दवार बोलते हैं, तो यहाँ किस चीज़ को अरबी में क्या बोलते हैं ये भी इसमें जानने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, स्पेशली न्यू ड्राइवर के लिए वो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, उन्हें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और जो चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि और भी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू, सिग्नल ग्रीन हो चुका है, देखिए हम लेफ्ट में हैं तो लेफ्ट जा रहे हैं, बाकी वो लोग सारा सीधा। चलिए वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। तो अभी हम हैं साद अब्दुल्ला में, साद अब्दुल्ला एक एरिया है और यहाँ से हमको जाना है एंद्रोस, जो कि करीब 15 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों में। तो ये अभी हम साद अब्दुल्ला मंतगा से बाहर निकल रहे हैं, एरिया को मंतगा कहते हैं। तो आप जैसे ही बाहर निकलेंगे हाईवे रोड पकड़ने के लिए, तो ये कुछ इस तरह लोकल रोड है, यहाँ से ये अभी भी लोकल रोड है, तो कुछ इस तरह से रोड होती है यहाँ की। ये सर्विस रोड है, आप लेफ्ट में जा देख रहे हैं, लेफ्ट में जो सीधा फ्लाईओवर के ऊपर से गया, असल फ्लाईओवर को यहाँ पे जिसिर बोलते हैं, पुबरी भी बोलते हैं। तो अभी हम सर्विस लाइन पे चल रहे हैं, ये होती है सर्विस लाइन। अब सामने अभी देखेंगे राइट टर्न है, ये हाईवे पे जाने के लिए, हाईवे पकड़ने के लिए राइट टर्न है यहाँ पर, तो यहाँ से हम राइट ले लेते हैं। तो ये सर्विस रोड से आप कभी भी हाईवे पकड़ोगे, अगर सर्विस लाइन पे चल रहे हैं, अभी यहाँ से हमको हाईवे पकड़ना है, तो तुरंत आपको लेफ्ट में नहीं जाना, पहले आप इंडिकेटर जलाइएगा, इंडिकेटर जलाने के बाद लेफ्ट में आप मिरर में देखेंगे, फिर फर्स्ट लाइन पे आना है, फिर अगर कोई और गाड़ी नहीं आ रही, कार नहीं आ रही लेफ्ट में, धीरे धीरे आपको यहाँ पे पकड़ लेना हाईवे। तो ये हाईवे रोड है, अभी ये कुवैत सिटी की तरफ हम चल रहे हैं, ये रोड है कुवैत सिटी, और अगर अपोजिट में पीछे जाएंगे तो वो होता है अब्दली रोड, और सीधे अब्दली के बाद ये इराक तक गई है रोड, इराक तक में है। तो अभी हम जा रहे हैं एंद्रोस, तो ये है हाईवे रोड यहाँ की, ये 80 नंबर रोड है, 80 नंबर रोड इसको बोलते हैं कुवैत सिटी। तो इस रोड पे देखिए ये हाईवे है, इस पर 5 लाइन बनी हुई हैं, सबसे फास्ट लाइन जो होती है लेफ्ट में है, फिर उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं लाइन है। तो आपको क्या करना है, स्पीड के हिसाब से आपको लाइन पे चलना होता है, देख ले किस तरह से यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं, और स्पीड काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करके चलना होता है। अगर फास्ट पे आप चल रहे हो तो 120 से ऊपर उस पर भी नहीं चला सकते, यहाँ की इस रोड हाईवे की रोड लिमिट जो होती है 120 किलोमीटर की होती है, आप उसके ऊपर चलाओगे तो आपको मुखालफा यानी फाइन आ सकता है, स्पीड कैमरा लगे होते हैं, और आपको उस पर सिर्फ ओवरटेक करने के लिए, फास्ट लाइन जो होती है सिर्फ ओवरटेक करने के लिए, बाकी आप 100 में चल रहे हैं, 80 की स्पीड चल रहे हैं तो आप सेकंड और थर्ड लाइन पर चल सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ट्रक चल रहे हैं, बड़ी बड़ी लॉरी है, टैंकर जा रहा है, बसें जा रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ राइट में चलेंगे, जो राइट की सबसे राइट में लाइन होती है फर्स्ट वाली, उस पर इनको चलना है, जो ये इधर नहीं आ सकते, ये लेफ्ट में नहीं चल सकते, सही है? तो आपको भी अगर अपनी गाड़ी चला रहे हो यहाँ पर तो मिडिल में रखना है, ठीक है, ये जो मिडिल है इस पर आप रख सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा स्पीड चलाना है तो आप फास्ट लाइन पे चला सकते हैं, बाकी आप मिडिल पे। ये देखिए लेफ्ट में जो ब्लैक कलर का पाइप दिख रहा है, ये स्पीड कैमरा होता है असल में। और सुलभिया रोड, तो हम सुलभिया भी पकड़ लेते हैं,
ये राइट, ये सर्विस रोड बोलते हैं जिसको, यहाँ पे अरबी में खिदमा बोलते हैं। तो अब आगे देखिएगा सिग्नल है, सिग्नल पे क्या करना होता है, यू टर्न करना है। तो कोई भी जिसर होते हैं, फ्लाईओवर होता है, तो यू टर्न करने के लिए लेफ्ट से एक अलग लाइन बनी हुई, देखिए वो लेफ्ट में पेट्रोल गाड़ी जा रही, वो वहाँ से यू टर्न हो जाता है, उसके लिए सिग्नल पे आने की जरूरत नहीं। अगर आपको यहाँ देखिए सिग्नल पे तीन लाइन है, तो जिसको लेफ्ट जाना है वो दो लाइन पे रहेगा, लेफ्ट और मिडिल में। अब हमको सीधा जाना है तो हम राइट में रहेंगे। अगर आप लेफ्ट में रहोगे फिर आपको सीधा जाने में दिक्कत होगी, आप जा नहीं सकते। सीधे को राइट जाना है, तो राइट जाने के लिए आप इंडिकेटर जला देंगे, इंडिकेटर देना बहुत ज़रूरी है। और सिग्नल से कोई लेना नहीं, उससे पहले से देखिए राइट टर्न कटा होता है, देखिए राइट लाइन गई हुई, यहीं से आप राइट हो जाइए। अगर ये रास्ता राइट का नहीं है तो आपको सिग्नल ग्रीन होने का इंतज़ार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। लेफ्ट जाना है तो ये देखिए लेफ्ट अलग से रास्ता दिया हुआ, सेपरेट रास्ता दिया, ठीक है, कुछ इस तरह भी सिग्नल होते हैं, ठीक है। ये सिग्नल पे जहाँ आप अगर कभी भी नए हो और आपको यहाँ पे इस तरह का सिग्नल दिखता है कि एक रास्ता लेफ्ट से दिया हुआ है और तीन रास्ता सीधा जाने का, तो अगर आपको सीधा जाना है तो आप ये लाइन पे खड़े होंगे राइट में, अगर लेफ्ट जाना है तो वो लाइन पे आपको नहीं जाना है, जो सेपरेट लाइन दी हुई है लेफ्ट में आप उस पर आके आप लेफ्ट जा सकते हो। तो हमको लेफ्ट जाना है तो ये हम लेफ्ट में आ गए, और जिनको राइट जाना है देखिए सारी गाड़ियाँ राइट में हैं, वो सीधा चले जाएंगी। और आपको राइट मुड़ना है तो उससे पहले ही सिग्नल से पहले राइट टर्न होता है, वहाँ के लिए सिग्नल ग्रीन हो चुका है, देखिए हम लेफ्ट में हैं तो लेफ्ट जा रहे हैं, बाकी वो लोग सारा सीधा आदमी जा रहे हैं। अरबी में सिग्नल को इशारा बोलते हैं, और जो राउंड द अबाउट होता है, गोल चौराहा जो इंडिया में बोलते हैं, उसको यहाँ पे दवार बोलते हैं। तो चलिए दवार पे मिलते हैं, वहाँ बताते हैं किस तरह से। देखिए यहाँ पे गोल चौराहे पे पहुँच चुके हैं जिसको दवार बोलते हैं। तो दवार पहुँचने पे आप अगर देखो लेफ्ट में गाड़ी आ रही है, अगर कोई कार आ रही है तो आपको यहाँ पे रुक जाना है, वाइट पट्टी पे, वाइट पट्टी पे रुक जाना है, और जब तक लेफ्ट वाली कार आपकी निकल नहीं जाती तब तक आपको नहीं निकलना। तो ये हमको यहाँ से यू टर्न करना है, अगर यू टर्न करना है तो हमको ये लेफ्ट में रहना है, अगर सीधा जाना है तो हमको राइट में रहना है। तो यू टर्न करने के लिए हम लेफ्ट में रहेंगे। तो देखिए हम अंदर हैं, एंट्री किए हैं, तो दूसरा गाड़ी ये रुका हुआ है, ठीक है। तो जो पहले एंट्री कर देता है उसके लिए वो पहले उसको निकलने दो, आपको रुक जाना है। तो अभी क्या करना है, हमको राइट में जाना है यहाँ से। तो देखिएगा ये लोग रुक चुके हैं यहाँ पे, देखिए ये आप अंदर नहीं आ सकते, तो हम इधर से इंडिकेटर दे के हम राइट ले लेते हैं। ये लोकल रोड होती है अंदर की, मंतगा जिसको एरिया की लोकल रोड, इसमें दो लाइन होती है, दो जाने के लिए दो आने के लिए। अब यू टर्न कैसे करना है, चलिए यू टर्न पे दिखाते हैं। यहाँ से 100 मीटर पे हमको यू टर्न करना है। तो यू टर्न के लिए देखिए आपको लोहा मिल जाएगा, साइन बोर्ड, साइन बोर्ड के यहाँ लोहा बोलते हैं। और यू टर्न के लिए अलग से लाइन लेफ्ट कटी होती है, जो देखिए हम लेफ्ट ले लिए, इंडिकेटर दे देते हैं, लेफ्ट कर लिए। लेफ्ट इसलिए लेना है ताकि राइट जो सीधा जिसको जाना है वो निकल जाए। उसके बाद आप यहाँ रुकेंगे, यहाँ रुकेंगे और देखेंगे कौन सी गाड़ी आ रही है। अगर कोई भी कार आ रही है तो वो जब तक निकल नहीं जाती आप यू टर्न नहीं, देखिए ये निकल गई, अब हम यहाँ से यू टर्न कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको ड्राइव करनी है, अगर ट्रैफिक रूल के हिसाब से चलोगे तो आपको कभी हादसा नहीं होगा, कभी आपके ऊपर जुर्माना नहीं आएगा, और आप आराम से चला सकते हैं। अब पुराने होने के बाद कैसे भी चलाएं, लेकिन आप नए हैं आ रहे हैं तो ये ट्रैफिक रूल आपको बहुत ध्यान देना है किस तरह से चलाना है, और हमेशा राइट में ड्राइविंग करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे स्टेयरिंग लेफ्ट में है और इसके लिए राइट में चलना है, हमेशा राइट में चलना है। और ओवरटेक करना है, कभी भी राइट से ओवरटेक नहीं करना है, किसी भी कार को लेफ्ट से ओवरटेक करें। उम्मीद है आप सबको ये पसंद आया होगा वीडियो। तो ये होता है कुछ तरीका यहाँ पे ड्राइविंग करने का। आज का वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, जो कि पहली बार है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली इस तरह की वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ सवाल रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और दूसरों को शेयर करें, जो न्यू ड्राइविंग में कुवैत आना चाहते हैं उनको शेयर करें, ताकि उनको भी पसंद समझ में आए कुवैत में कैसे ड्राइविंग करती है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।